हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़ भजिया। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने पत्ता गोभी लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है, देख सकते हैं आप मैंने कैसे इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची, थोड़ा सा फूड कलर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने 3 ली थी। अब इसको पत्ता गोभी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा, मैदा मैं 5 चम्मच डालूंगी। अब इसमें अरारोट डालेंगे, अरारोट इसमें 3 चम्मच डालेंगे। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ भजिया का बैटर बनके तैयार है। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था, अब इसमें डाल देंगे चाइनीज़ भजिया। चाइनीज़ भजिया का साइज हमें छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। चाइनीज़ भजिया को मीडियम फ्लेम पर तलेंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। अब इसको पलट लेंगे। चाइनीज़ भजिया को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चाइनीज़ भजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।